हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक लिविंग नो चैट बी एंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव। आई एम लोकेंद्र सिंह पवार एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सिक्स लेक्चर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल एंड दैट इज प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो बेटा आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो मेनली हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर सिमिलर ट्राइंगल जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था इसका लेक्चर नंबर 6। ओके, हमने अभी तक लेक्चर नंबर 1 से लेकर 5 तक में काफी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। मैं एक बार आपके लिए ब्रीफिंग कर देता हूँ कि अभी तक हमने क्या क्या स्टडी किया। देखो, सबसे पहले हमने यहाँ पर इंट्रोडक्शन फेज के बारे में डिस्कशन किया। इंट्रोडक्शन फेज के बाद हमने यहाँ पर कुछ जो इससे रिलेटेड सम प्रॉपर्टीज थी उनके बारे में डिस्कशन किया। किस तरह से हम यहाँ पर सिमिलर ट्राइंगल की सिमिलरिटी को प्रूव करते हैं वो हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया। साथ में यहाँ पर सिमिलरिटी के क्राइटेरियाज क्या क्या होते हैं ये सारी चीजें भी आप कंप्लीट कर चुके हैं। और फिफ्थ जो लेक्चर था हमारा मेनली वो डिपेंडेंट था यहाँ पर एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल का एरिया हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमने अभी तक क्लियर की है। ओके, तो चलो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आज हम जो मेनली डिस्कस करने वाले हैं वो एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल के प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहने वाले हैं जो कि काफी अमेजिंग और शानदार रहने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, आपको पता है जैसा कि प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आप हमारे साथ यहाँ पर क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। साथ में आप एनटीएससी एनईसी जैसे और प्री आरएमयू के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम्स की भी काफी शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर सकते हो। ये हमारी ऑसम टीम है बेटा जिनके साथ आप काफी अच्छे से काफी शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन कर रहे हो। आई होप मैं आपसे पूरी पूरी ऐसी उम्मीद कर सकता हूँ क्योंकि ये फैकल्टीज मेंबर्स जो है ना आप सभी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स है उन डाउट्स को इन फैकल्टीज के साथ में क्लियर करते रहे क्योंकि इन फैकल्टीज मेंबर्स ने जो आपको नोट्स रेडी करवाए ना ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बेहद ज्यादा यूजफुल एंड हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहे और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स है उन डाउट्स को क्लियर करते रहें। अगर आपको हमारे साथ कनेक्ट होना है तो कनेक्टिविटी का भी मैं आपको ऑप्शंस बताने वाला हूं। उससे पहले ये आपको पता है काफी अच्छे से ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है। मेनली हम यहां पर बात करते हैं कनेक्टिविटी की कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है आपके पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से क्या करना है, आपको टेलीग्राम इंस्टॉल करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्यों? क्योंकि मैं यहां पर लेकर आया हूं आप सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप यहां पर देखोगे कि हमने डिफरेंट डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो भी आपको स्क्रीन पर काफी अच्छे से नजर आ रहे हैं। क्लास 6 का आपका जो ग्रुप कोड है वो है t.ms/ttb06 एज वेल एज क्लास 7 का आपका ग्रुप कोड रहने वाला है t.ms/ttb07। इसी तरह से क्लास 8 t.ms/ttb08 क्लास 9 का ग्रुप कोड रहने वाला है आपका t.ms/ttb009 एंड मेनली जो कि आपकी क्लास 10th है वो है यहाँ पर ग्रुप कोड t.ms/ttb010। आपको क्या करना है, अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। ओके, अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। हमारी जो वेबसाइट है वो आपको टॉप पर नजर आ रही है यहाँ पर www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप यहां पर देखोगे कि हमने वहां पर डिफरेंट डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं। ओके, आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग पैकेज सेलेक्ट करना है। ये इस बात का सबसे इंपॉर्टेंट चीज देना आपकी आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग ही अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल आप क्लास 10th में हैं तो क्लास 9th-10th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। यहाँ पर आपके पास टू टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पैकेज जो है आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है और सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। फर्स्ट पैकेज की अगर हम कॉस्टिंग प्राइस की बात करते हैं तो इसका जो कॉस्टिंग प्राइस है वो है आपके सामने 10,000 रुपीज और सेकंड पैकेज का जो कॉस्टिंग प्राइस है वो है 3,500 रुपीज। ओके, फर्स्ट पैकेज में देखो 10,000 रुपीज में आपको क्या क्या मिलने वाला है, सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ। इसमें आपको कॉम्प्रेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाई वीकली क्विजेस एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर, इतनी सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो क्या करना है, आपको फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करना है और सीधा आप पहुंचेंगे प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशियंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है लेकिन मुझे एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो इसका भी ऑप्शन मैं आपके लिए लेकर आया हूं यहां पर जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। यहां पर स्क्रीन पर आपके सामने टेस्ट सीरीज का जो पैकेज है इसका कॉस्टिंग प्राइस है 3,500 रुपीज। इसमें आपको मिलने वाला है पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस एंड होमवर्क सबमिशन।
तो फटाफट से आपको क्या करना है, यहाँ पर भी बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा आप पहुंचेंगे प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हैं, बहुत ही शानदार जबरदस्त एक गुड न्यूज है आपके लिए, मैं लेकर आया हूँ यहाँ पर 30% का डिस्काउंट ऑफर। लेकिन 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 उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कूपन कोड यूज करना है, और आपका जो कूपन कोड रहने वाला है वो रहने वाला है LS Live। मतलब कि आपको यहाँ पर जो डिस्काउंट मिलेगा वो LS Live कूपन कोड के बिहाफ पर ही मिलने वाला है। तो फटाफट से आप इस जो कूपन कोड है या तो इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसी के बिहाफ पर आपको क्या मिलेगा यहाँ पर 30% का डिस्काउंट ऑफर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फर्स्ट पैकेज के लिए LS Live कूपन कोड यूज करते हैं तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7000 रुपीज में मिलेगा, जबकि सेकंड पैकेज के लिए अगर आप LS Live कूपन कोड यूज करते हैं तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 2450 रुपीज में मिलेगा। तो आपने देखा ना कितना शानदार और जबरदस्त आपके लिए यहाँ पर डिस्काउंट ऑफर है। तो फटाक से क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसे नोट कर लो। ओके, फटाक से आपको करना क्या है, कूपन कोड यूज करने के बाद अप्लाई करना है, बाय पैकेज पर क्लिक किया सीधा आप पहुंचेंगे पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हैं तो आपके लिए यहाँ पर फर्स्ट जो पैकेज है उसका अमाउंट रहने वाला है, और सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर सेकंड पैकेज का अमाउंट रहने वाला है। ओके, और आपके लिए यहाँ पर कुछ पेमेंट की फैसिलिटीज भी गिवन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहें उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हैं और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है छोटी सी भी, तो यहाँ एक छोटू सा नंबर गिवन है 9549041111। क्या करना है, फटाक से फोन उठाना है, इस नंबर पर कॉल करना है और इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड जो भी क्वायरी आपको यहाँ पर करना है वो क्वायरी आप कंप्लीटली कर सकते हैं। तो सबसे मेनली आपके लिए यहाँ पर एक तो ये कूपन कोड रहने वाला है और एक ये कॉन्टेक्ट नंबर रहने वाला है, क्योंकि इन दोनों के साथ ही आपके लिए जबरदस्त डिस्काउंट है ना, क्योंकि यहाँ पर देख पा रहे हो कोई भी प्रॉब्लम आई तो इस नंबर पर कॉल करना है इसे, और 30% के डिस्काउंट के लिए तो आपको ये कूपन कोड यूज करना है। ओके बेटा, क्लियर है? तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया है। लेकिन 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 उससे पहले आपको पता है हम क्या करते हैं, एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। भाई आपकी और हमारी बॉन्डिंग तो ऑलरेडी बनी है, लेकिन जो बच्चे न्यू कनेक्ट हुए उनके साथ बॉन्डिंग बनाना भी तो जरूरी है ना। तो आ जाइए कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं फटाक से। I promise listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. Smart आप already हैं, सही। आपको क्या बनना है यहाँ पर, smart student, और smart student बनने के लिए क्या करना होगा, smart study करनी होगी। तो फटाफट से पेन कॉपी निकालो और smart study करना शुरू करते हैं। चले आगे, जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था, प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो कि लेक्चर नंबर 6 रहने वाला है आपका। यहाँ पर देखो, लेक्चर नंबर 5 में आपने यहाँ पर टू सिमिलर ट्राइंगल का एरिया किस तरह से फाइंड करते हैं ये सीखा। उसमें हमारे पास 4 थ्योरम्स कंप्लीट किया है हमने। सबसे फर्स्ट जो थ्योरम था उसमें हमने क्या देखा है कि अगर हमारे पास कोई सिमिलर ट्राइंगल है तो उस सिमिलर ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स रहेगी, ठीक है, वो उनका स्क्वायर किसके इक्वल होगा, उन दोनों सिमिलर ट्राइंगल के एरिया के स्क्वायर एरिया के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, क्लियर है। सेकंड में हमने क्या देखा कि यहां पर कोई भी जब हमारे पास टू सिमिलर ट्राइंगल है तो उन टू सिमिलर ट्राइंगल का जो एरिया है हमारा वो प्रोपोर्शनल होगा उनकी कॉरस्पॉन्डिंग मिडेन के, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के और उनके कॉरस्पॉन्डिंग बाइसेक्ट सेगमेंट के। ओके, इनसे रिलेटेड ही सारी हमने थ्योरम्स को क्लियर किया। इन्हीं थ्योरम्स के बेस पर आपको किस तरह के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं वही आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं व्हाई दिस लेक्चर, इस लेक्चर को हम क्यों स्टडी करना चाहते हैं, प्री रिपीटीज हमारे क्या क्या रहने वाले हैं, कीवर्ड्स हमारे क्या रहने वाले हैं, लर्निंग आउटकम्स, सब कुछ आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, और आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं फटाफट से बेटा। ओके, चले आगे। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है काफी टाइम से। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर हमारे पास है, इफ ए बी सी एंड डी ई एफ, टू ट्राइंगल्स है हमारे पास और ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर है, क्योंकि इनके बीच में जो साइन है वो किसका साइन है, सिमिलरिटी का साइन है। सच दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें यहाँ पर गिवन है कि ट्राइंगल ए बी सी का जो एरिया है वो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ट्राइंगल डी ई एफ का जो एरिया है वो हमारे पास 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है। BC की लेंथ हमारे पास 2.1 सेंटीमीटर है, फाइंड द लेंथ ऑफ EF। हमें यहां पर EF का लेंथ फाइंड करना है। क्या करना है, EF का लेंथ फाइंड करना है। अब EF का लेंथ फाइंड करने के लिए क्या करोगे, आ जाओ देखो फटाफट से। यहां पर टू सिमिलर ट्राइंगल के बारे में डिस्कशन हुआ है तो फटाफट से पहले टू सिमिलर ट्राइंगल बना देते हैं। ओके,
सिमिलैरिटी के बारे में तो आपको काफी अच्छे से पता है ना कि कोई भी टू फिगर्स अगर सेम शेप के हैं तो वो दोनों टू फिगर्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे, और अगर वो दोनों सेम शेप और सेम साइज के हैं तो वो दोनों फिगर्स जो रहेंगे वो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स रहेंगे। सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में सबसे इजी और सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। ओके, तो इस बात को हमेशा याद रखना, ये आपके पास ट्राइंगल है एबीसी और ये ट्राइंगल है आपके पास डीईएफ, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें यहां पर गिवन है कि हमारे पास, देखो गिवन पार्ट देख लेते हैं पहले, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी ये कितना है, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ ये है हमारे पास 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। बीसी की लेंथ है 2.1 और हमें ईएफ फाइंड करना है, ये हमें क्वेश्चन से में बोला गया है। ओके, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कितना है आपके पास, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। इसी तरह से एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ ये है हमारे पास 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो साथ में हमें बीसी का भी लेंथ गिवन है यहां पर 2.1 सेंटीमीटर। ओके, आपको फाइंड करना है यहां पर ईएफ का लेंथ। अब ईएफ लेंथ फाइंड करने के लिए आप चाहें तो यहां पर एक्स भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें ये फाइंड करना है, और नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो रहने वाला है आपका, वो रहने वाला है हमें पता है कि एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल हमने जब फाइंड किया तो यहां पर सबसे फर्स्ट जो थ्योरम थी उसके अकॉर्डिंग बोला गया था हमसे कि जब हमारे पास कोई भी टू सिमिलर ट्राइंगल है तो उन टू सिमिलर ट्राइंगल का जो एरिया का रेशियो है वो इक्वल होगा उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। क्लियर है, अच्छे से पता है ना आपको फर्स्ट थ्योरम। तो यहां पर देखो टू सिमिलर ट्राइंगल है एबीसी और ट्राइंगल डीईएफ, इन दोनों सिमिलर ट्राइंगल का एरिया का रेशियो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड, कोरस्पॉन्डिंग साइड मतलब कि एबी और डीई, एसी और डीएफ, बीसी और ईएफ, इनके स्क्वायर के इक्वल होगा। ओके, तो देखो यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ किसके इक्वल होगा, इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स मीन्स यहां पर बीसी है और हमें ईएफ फाइंड करना है, तो बीसी का स्क्वायर अपॉन ईएफ का स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी भी तरह की नहीं होनी चाहिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी आपके पास ऑलरेडी गिवन है, देख लो फटाफट से 9। एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ आपके पास है यहां पर 16 इक्वल, बीसी की लेंथ आपके पास 2.1 सेंटीमीटर। ओके, और ईएफ आपको फाइंड करना है तो इसे इसी टाइप से रहने दीजिए और ईएफ का स्क्वायर कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां से स्क्वायर हटाइए और इधर रूट लगा दीजिए, तो फाइनली जैसे ही स्क्वायर हटेगा यहां रूट लगेगा, तो आपको पता है 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है, तो फाइनली ये 3 और यहां 4 इक्वल 2.1 अपॉन ईएफ स्क्वायर, ईएफ ओनली। ओके, क्योंकि ये जो स्क्वायर था ये तो रूट बन गया इधर जाकर। चलो यहां से आपको मिलता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो 3 इंटू ई एफ इक्वल 4 इंटू 2.1, तो यहां पर हम देखते हैं ई एफ इक्वल 4 वन ज 4, 4 टू ज 8.4 अपॉन 3, क्लियर। तो यहां से देखो ई एफ इक्वल 3 टू ज 6, ठीक है, कितना बच गया यहां पर, 2 बच गया, और 2 यहां पर 4 के साथ मिला तो क्या हो गया ये 24 मतलब 8, ठीक है, 3 8 24, तो फाइनली EF की जो लेंथ है आपके पास वो है 2.8 सेंटीमीटर, और यही आपको फाइंड करना था। ओके, फटाफट नोट कर लो इसे, जल्दी से फटाफट से नोट करो, देखो कितना इजी कॉन्सेप्ट है, हमें पूरा कॉन्सेप्ट बहुत इजीली समझ में आया। जो गिवन पार्ट था हमने उसे एज इट इज लिखा, जो हमें फाइंड करना था हमने उस पर फोकस किया, जो हमारे पास कॉन्सेप्ट था मेन वो कॉन्सेप्ट यही था। हमें पता है जब हमारे पास कोई टू सिमिलर ट्राइंगल है तो इन टू सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का जो रेशियो होगा वो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। तो देखो ये टू सिमिलर ट्राइंगल का एरिया का रेशियो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल है। ओके, और जिस जिस की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन थी उन सबका वैल्यू हमने पुट किया और सॉल्व कर दिया, तो फाइनली ये जो आपके पास ई एफ आया है ये आता है 2.8 सेंटीमीटर। फटाफट नोट कर लो जल्दी से।
फटाफट नोट कर लो बेटा, फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना किसी भी तरह की, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा से कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आपके लिए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इन क्वेश्चंस में। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखो। इन डायग्राम, आपको यहां पर एक डायग्राम नजर आ रहा है फिगर, इसमें एल एम इज पैरेलल टू बी सी। ये जो एल एम है ये पैरेलल है, किसके पैरेलल है? बी सी के पैरेलल है। आपको ए एल की लेंथ गिवन है 1 सेंटीमीटर, एल बी की लेंथ गिवन है 3 सेंटीमीटर, एम सी की लेंथ गिवन है 4.5 सेंटीमीटर एंड बी सी की लेंथ गिवन है हमें यहां पर 8 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ एल एम, मतलब कि इस एल एम का आप पहले लेंथ फाइंड कीजिए, फिर इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल, इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल मीन ए एल एम, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एल एम जो है वो है हमारे पास 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी? तो इस पूरा जो बड़े वाले ट्राइंगल आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, इसका एरिया क्या रहने वाला है ये हमसे यहाँ पर फाइंड करने के लिए कहा गया है। ओके आ जाओ फाइंड करते हैं। पहले तो देख लो जो जो कंडीशन गिवन है, ए एल हमारे पास कितना है 1 सेंटीमीटर, साथ में एल बी हमारे पास कितना है 3 सेंटीमीटर, और एम सी हमारे पास है 4.5 सेंटीमीटर, बी सी हमारे पास है 8 सेंटीमीटर, और ए एम हमें क्या करना है यहाँ पर, एल एम हमें फाइंड करना है, और हमारे पास यहाँ पर ए एम भी नहीं है, मतलब कि हमें ए एम और एल एम ये दोनों भी फाइंड करना है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं किसी तरह की, फटाफट से बोलो, होना भी नहीं चाहिए। फर्स्ट फोकस जो हमारा रहने वाला है यहाँ पर वो रहने वाला है ए एम फाइंड करने पर। उसका रीजन अभी आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों कह रहा हूं आपसे बार बार कि पहले ए एम फाइंड करो। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर ए एल और यहाँ एल बी, यहाँ ए एम और एम सी, मतलब कि ए एल की लेंथ जब ऑलरेडी हमारे पास है और एल एम एल बी की जो भी लेंथ हमारे पास जब है, तो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ए एम नहीं है, तो पहले हम ए एम को फाइंड करेंगे ना। क्योंकि आपसे पूछा जाए यहाँ पर ए सी की लेंथ बताइए तो आप नहीं बता सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको ए एम की लेंथ नहीं पता है। जबकि यहाँ पर अगर आपसे कहा जाए कि ए बी की लेंथ बताइए तो आप फटाक से बता दो कि ए एल प्लस एल बी, दोनों को ऐड किया आपके पास ए से बी की लेंथ आ गई। ओके तो चलिए फटाक से पहले देखते हैं हम गिवन पार्ट हमारे पास क्या है। गिवन पार्ट में आपके पास ऑलरेडी गिवन है एल एम इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है, एल एम पैरेलल है किसके, बी सी के। ए एल 1 सेंटीमीटर, साथ में एल बी 3 सेंटीमीटर, और देखिए और क्या गिवन है सारी चीजें, एम सी 4.5 सेंटीमीटर, नेक्स्ट बी सी 8 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है? अब हमें लेंथ फाइंड करना है एल एम का। ओके चलो साथ में हमें यहां पर ट्राइंगल ए एल एम का एरिया भी गिवन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एल एम ये कितना है हमारे पास 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है? चलो अब एक बात ध्यान से देखूं, यहां पर हमारे पास हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास यहां पर, बिल्कुल ध्यान से देखना, यहां पर अगर हम इस ट्राइंगल एबीसी की बात करते हैं तो इसमें एल एम जो पैरेलल है किसके पैरेलल है, बीसी के। जब हमारे पास एल एम पैरेलल है बीसी के, ये दोनों क्या है, दोनों पैरेलल है, तो हम क्या कहेंगे, ए बी अपॉन ए एल, ए बी अपॉन ए एल किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा ए सी अपॉन ए एम के। ओके ए सी अपॉन ए एम के। कोई प्रॉब्लम यहां तक, फटाफट बोलो, नहीं है? चलो यहां से ए बी को आप क्या लिख सकते हो, देखो ए बी को लिख सकते हो आप ए एल प्लस एल बी, ए एल प्लस एल बी अपॉन ए एल। इसी तरह से ए सी को क्या लिख सकते हो आप, ए एम प्लस एम सी, ए एम प्लस एम सी अपॉन ए एम। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक, समझ में आया पूरा? इस ए बी को लिख दिया हमने ए एल प्लस एल बी, मतलब कि इस पूरे पार्ट को हमने क्या लिखा, ये प्लस ये।
इसी तरह से इस पूरे पार्ट को हमने लिखा ये पार्ट प्लस ये पार्ट। ओके क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इस तरह से समझो इसे, आपको दिया जाता है कि ये मार्कर है मेरे हाथ में, इस मार्कर की हाफ लेंथ 2 सेंटीमीटर है और हाफ लेंथ 2 सेंटीमीटर है, और आपसे पूछा जाएगी फुल लेंथ बताइए, क्या करोगे आप? हाफ लेंथ और इस हाफ लेंथ को ऐड करोगे तो फाइनली आपको फुल लेंथ फाइंड हो जाएगी। तो वही तो हमने किया कि यहां पर हमारे पास फुल लेंथ है और हमने इसे हाफ में डिवाइड कर दिया, ये लो। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब आपके पास ए एल की लेंथ देख लीजिए 1 है प्लस एल बी की लेंथ आपके पास कितना है 3 अपॉन ए एल का लेंथ आपके पास 1 है। इसी तरह से ए एम, ए एम का लेंथ नहीं है, ए एम तो हमें फाइंड करना है तो इसे ए एम ही रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। चलो फिर नेक्स्ट देखो, यहां से एम सी का लेंथ 4.5 अपॉन ए एम हमें फाइंड करना है, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो ये हो गया आपके पास 4/1 इक्वल ए एम प्लस 4.5 अपॉन ए एम, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो सभी को आता है ना, काफी अच्छे से कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 ए एम हो जाएगा ये इक्वल ए एम प्लस 4.5, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर, यहां से ये भी आपके पास ए एम है और ये भी आपके पास ए एम है, इस ए एम को अगर आप उधर ट्रांसफर कर देते हो तो यहां से मिलेगा आपको 4 ए एम माइनस ए एम इक्वल 4.5। क्लियर है, क्या बचा यहां से 3 एम इक्वल 4.5, ए एम इक्वल 4.5 अपॉन 3, यहां से डेसिमल हटाओ यहां जीरो लगाओ, तो फाइनली आप देखोगे कि आपके पास जो ये ए एम है इसकी लेंथ यहां से कितना फाइंड होती है आपको, यहां से इसकी लेंथ फाइंड होती है 3/2। क्यों 3/2 फाइंड क्यों होती है? अरे भाई डेसिमल हटा अपॉन जीरो हो गया, 15 3 45, 15 2 30, इसलिए 3/2। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब अगर हम यहां पर देखते हैं, हमारे पास यहां से ए बी अपॉन ए एल इक्वल है ए सी अपॉन ए एम के, तो ये दोनों ट्राइंगल जो है हमारे पास कौन, यहां पर ट्राइंगल कौन कौन से ट्राइंगल नजर आ रहे हैं हमें, ए एल एम और ट्राइंगल ए बी सी। ओके क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये दोनों क्या रहने वाले हैं, सिमिलर रहने वाले हैं, हाँ या ना, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए एल एम। ओके आपको पता है इन दोनों का जो रेशियो है वो किसके इक्वल होगा, इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के प्रोपोर्शनल होगा। ओके तो फाइनली यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है, चले आगे हम। अब हमारा मेन फोकस क्या होना चाहिए कि हमें फाइंड करना है यहां पर एल एम, क्या फाइंड करना है ये एल एम, इस एल एम को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अरे भाई इस एल एम को फाइंड करने के लिए हम यहां पर लेते हैं, जब हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल है तो हम यहां पर देखते हैं कि ए बी अपॉन ए एल, ए बी अपॉन ए एल किसके इक्वल होगा यहां पर, ए एम अपॉन एम सी के। ओके क्लियर है, यहां तक फटाक से नोट करो फिर आगे चलते हैं हम फटाफट। हमें मेनली यहां पर क्या करना है, ये एल एम फाइंड करना है, इस एल एम को फाइंड करने के लिए हम देखेंगे यहां पर ए एल अपॉन एल बी हमारा किसके इक्वल होगा, एल एम अपॉन बी सी के इक्वल होगा। ओके जल्दी से फटाफट मैं पानी पी लेता हूं, तब तक जल्दी नोट कर लो। ओके कोई प्रॉब्लम, फटाफट बोलो। चलो इस तरह से आपको दिया हुआ है एबीसी, यहां है आपके पास एल एम। ओके क्लियर, अब देखो जब ये दोनों ट्राइंगल क्या है सिमिलर है तो हम क्या कहेंगे, ए बी अपॉन ए एल, ए बी अपॉन ए एल किसके इक्वल होंगे, बी सी अपॉन एल एम के। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं।
अब ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर ऑलरेडी था, ये 3 सेंटीमीटर, क्लियर। ये एसी यहां पर अगर आप ध्यान से देखते हो तो बीसी की जो लेंथ है ये तो है आपके पास 8 सेंटीमीटर और हमें एलएम फाइंड करना है, क्लियर है ना। ये सारी चीजें ऑलरेडी हमें गिवन थी, वहीं से हमने लिखा है। अब देखो यहां पर एबी का लेंथ, एबी को अभी आपने क्या लिखा, ए एल प्लस एल बी, तो यहां पर भी लिख दो ए एल प्लस एल बी अपॉन ए एल एज इट इज। बीसी आपको क्या करना है, यहां पर गिवन है तो एज इट इज पुट करना है, एलएम फाइंड करना है तो इसे एलएम ही रहने दो, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है। चलो यहां से ए एल प्लस एल बी, ए एल का मतलब 1 और एल बी का मतलब 3 सेंटीमीटर अपॉन ए एल का मतलब 1 सेंटीमीटर, 8 एज इट इज और एल एम, तो यहां से ये हो गया आपके पास 4 इक्वल 8 एल एम। ओके क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो नेक्स्ट देखो, यहां से हमें डायरेक्ट क्या नजर आ रहा है, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहां पर तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 एल एम इक्वल 8, तो एल एम इक्वल मिलेगा यहां से हमें 8 अपॉन 4, मतलब कि एल एम की जो लेंथ है हमारे पास वो कितनी मिलती है, 2 सेंटीमीटर। ओके तो ये आपके पास जो एल एम है, ये एल एम कितना फाइंड हुआ है आपको, 2 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम यहां तक, फटाफट से बोलो हाँ या ना, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है नहीं होनी चाहिए क्योंकि बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, क्लियर। अब आपने यहां पर एल एम फाइंड कर लिया, आपने यहां पर बीसी फाइंड कर लिया, सारी चीजें आपके पास ऑलरेडी है। आपको जो फाइंड करना है यहां पर, वो फाइंड करना है कि इस पूरे ट्राइंगल एबीसी का रेशियो क्या, एरिया क्या रहने वाला है, सॉरी ट्राइंगल एबीसी का एरिया क्या रहने वाला है यहां पर, यही आपको फाइंड करना है। ओके अब इसे फाइंड करने के लिए आपको काफी अच्छे से पता है कि जब हमें यहां पर ट्राइंगल एबीसी का एरिया फाइंड करना है तो हमें यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एएलएम किसके इक्वल होगा, इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल, इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड मतलब कि एबी का स्क्वायर अपॉन एलएम का स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो ये आपको फाइंड करना है, क्लियर है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल एएलएम ऑलरेडी आपको गिवन है क्वेश्चन में 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसे पुट कर दो यहां पर फटाक से, ये 18 हो गया, क्लियर। इक्वल एबी, एबी देखो एबी को आप क्या लिखते हो, ए एल प्लस एल बी मतलब कि 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, तो ये हो गया आपके पास 4 का स्क्वायर अपॉन एल एम, अभी आपने फाइंड किया है 2, तो यहां पर ये मिलेगा आपको 2 का स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो यहां से आप डायरेक्ट देखते हो कि आपके पास जो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी मिलता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी किसके इक्वल मिलेगा, ये 18 इक्वल 16 अपॉन 4, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां से बिल्कुल ध्यान से अगर हम देखते हैं, सॉरी यहां पर AL आएगा, यहां पर आपके पास AL आएगा, ठीक है, क्या आएगा आपके पास यहां पर AL, और AL कितना है आपके पास 1, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही रहेगा। यहां से हमें डायरेक्ट फाइंड होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी जो है हमारे पास वो है 16 इंटू 18। ओके क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां से एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी ये मिलेगा आपको 288 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपको यहां पर फाइंड करना था। ये लीजिए एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी जो है वो कितना मिलेगा आपको 288 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपको यहां पर फाइंड करना था। फटाक से नोट कर लो जल्दी से, मैं एक बार पूरा क्लियर कर देता हूं आपको, जल्दी से पहले नोट कर लो ताकि हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फिर एक बार पूरा मैं स्टार्टिंग से क्लियर कर दूंगा ताकि पूरा समझ में आ जाएगा पहले आपको। नजर आ रहा है ना पूरा, चले
देखो पहले यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर आपको सबसे पहले ए एम फाइंड करना था और एल एम फाइंड करना था, क्लियर है। हमने क्या किया, एल एम से पहले फाइंड किया ए एम को, तो इसके लिए हमें पता है यहां पर ऑलरेडी हमें पता है कि हमारे पास ये जो एल एम है ये पैरेलल है बी सी के, तो ये ए बी अपॉन ए एल किसके होगा, ए सी अपॉन ए एम के इक्वल होगा। ओके, इस ए बी को, इस पूरे ए बी को लिखा हमने ए एल प्लस एल बी, क्लियर, और इस ए सी को हमने लिखा ए एम प्लस एम सी, ओके, अपॉन में ए एल और ए एम एज इट इज। इन सबका वैल्यू हमें जो जो गिवन था हमने पुट कर दिया, हमें ए एम का वैल्यू गिवन नहीं था, मतलब कि हमें यहां से पहले तो ए एम को फाइंड करना था। यहां से ए एम मिलता है हमें 3/2। इस ए एम की हेल्प से हमने यहां पर देखा कि हमारे पास ए बी अपॉन ए एल जो है वो किसके इक्वल है, ए सी अपॉन ए एम के, मतलब कि ये जो ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल हमारे पास ए एल एम है, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है। जब ये दोनों हमारे पास सिमिलर ट्राइंगल है तो ए बी अपॉन ए एल जो है वो किसके इक्वल होगा, यहां पर बी सी अपॉन एल एम के, क्यों, क्योंकि इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होगी आपस में, इन दोनों जो सिमिलर ट्राइंगल है इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा, प्रोपोर्शनल रहेगा। ओके, फाइनली ए बी को आपने ए एल प्लस एल बी यहाँ पर वापस एज इट इज पुट किया, ए एल को एज इट इज, बी सी की लेंथ आपके पास 8 है और एल एम एज इट इज, एल एम हमें फाइंड करना है, ए एल की वैल्यू जो है 1 है, एल बी की वैल्यू 3 है अपॉन 1, यहां से हमने एल एम को एज इट इज रहने दिया, एल एम फाइनली फाइंड होता है हमें यहाँ से 2 सेंटीमीटर। अब हमें फिर यहाँ से फाइंड करना था सबसे बड़ी चीज कि जो छोटा वाला ट्राइंगल है इसका एरिया हमें गिवन है, लेकिन बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया हमें फाइंड करना है। तो बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले, हमें पता है कि दोनों जो ट्राइंगल है, जो सिमिलर ट्राइंगल है, इन सिमिलर ट्राइंगल का एरिया का जो रेशियो है इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है, वही कंडीशन हमने यहाँ पर पुट की, और यहाँ से जिसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन थी उन सारी वैल्यूज को पुट किया तो हमें फाइनली ट्राइंगल ए बी सी का जो एरिया है वो फाइंड होता है 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इन द गिवन फिगर, आपको यहां पर गिवन फिगर नजर आ रहे हैं 2 सिमिलर ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ आर सिमिलर, दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर है। जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है और ए बी सी मतलब कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल का एरिया 54 है, आपको इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, ट्राइंगल डी ई एफ का आपको क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो ट्राइंगल डी ई एफ का एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, अभी तक क्या किया हमने, हमें पता है काफी अच्छे से कि जो ट्राइंगल का एरिया का जो रेशियो रहेगा सिमिलर ट्राइंगल का एरिया का वो इक्वल होगा उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के, क्लियर है ना। तो वही चीज यहां पर अप्लाई करना है, वापस आ जाओ, पहले गिवन पार्ट देखो फटाक से कि क्या क्या गिवन है। ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ आर सिमिलर ट्राइंगल, ओके, बी सी की लेंथ आपके पास ऑलरेडी है 3 सेंटीमीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं, ई एफ की लेंथ है आपके पास 4 सेंटीमीटर, यहां तक भी क्लियर सारा कॉन्सेप्ट। चलो ट्राइंगल ए बी सी का जो एरिया है वो है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये पार्ट आपके पास गिवन है, क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। अब यहां से बिल्कुल ध्यान से और अच्छे से समझना, क्योंकि यहां किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। ओके, कॉन्सेप्ट क्या यूज कर रहे हैं हम, हमें बताएं एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल जब हमने यहां पर फाइंड करना सीखा तो इसमें मेनली हमने 4 थ्योरम्स के बारे में डिस्कशन किया। फर्स्ट जो हमारी थ्योरम थी उसमें हमने कहा कि दोनों जो सिमिलर ट्राइंगल होंगे उन दोनों का एरिया का जो रेशियो रहेगा उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होगा, फर्स्ट। सेकंड, उन दोनों सिमिलर ट्राइंगल का एरिया उन दोनों सिमिलर ट्राइंगल की जो एल्टीट्यूड रहेगा उनके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। इसी तरह से दोनों सिमिलर ट्राइंगल का एरिया उन दोनों सिमिलर ट्राइंगल की जो कॉरेस्पॉन्डिंग यहां पर बाइसेक्ट सेगमेंट जो है उसके इक्वल रहेगा। और एक और जो हमारी थी थ्योरम वो थी कि दोनों ट्राइंगल जो है हमारे पास सिमिलर ट्राइंगल इन दोनों का एरिया
इन दोनों ट्राइंगल की मिडेंड के स्क्वायर के रेशियो के प्रोपोर्शनल होगा। ये चारों थ्योरम आपने स्टडी किया है, ओके। तो इन्हीं के बेस पर तो हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है, ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम, सॉरी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर का जो रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। आ जाओ, तो यहाँ पर देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, इन दोनों का रेशियो किसके इक्वल होगा, इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, इसकी तो है बी सी, तो ये हो गया बी सी का स्क्वायर अपॉन ई एफ, ई एफ का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम यहां तक, नहीं, ये आपको फाइंड करना है, ए बी सी गिवन है, ये आपको फाइंड नहीं करना, नीचे वाला आपको फाइंड करना है। चलो 54 ये आपके पास ऑलरेडी है, ये आपको फाइंड करना है, क्लियर। बीसी की लेंथ देखो कितना है, 3, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर। ईएफ का लेंथ कितना है, 4, तो ये हो गया आपके पास 4 का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम यहां तक, हाँ या ना, नहीं। यहां से 54 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ इक्वल 9 अपॉन 16, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां से ये हो जाएगा आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इंटू 9 इक्वल 54 इंटू 16, क्लियर। एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इक्वल 54 इंटू 16 बाय 9, तो ये हुआ आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इक्वल 9 6 54। फाइनली ये होगा आपके पास 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो आपके पास सिमिलर ट्राइंगल है डी ई एफ, इसका जो एरिया है वो है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमें फाइंड करना है यहाँ पर, ओके। फटाक से नोट कर लो जल्दी से, फटाफट फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी, कोई हमें ज़्यादा यहाँ पर डिफिकल्टी नहीं हो रही है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, और मुझे नहीं लगता कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, काफ़ी अच्छे से, क्योंकि हमने बहुत ही इजी फॉर्म में इन सारी चीज़ों को स्टडी किया है, ओके। फटाक से नोट कर लो, चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर पी बी एंड ए क्यू ए आर परपेंडिकुलर, ये आपका पी बी और ये आपका क्यू ए, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, किस पर, लाइन सेगमेंट ए बी पर। PO, PO, ये आपके पास 5 सेंटीमीटर है, OQ आपके पास 7 सेंटीमीटर है। आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल POB गिवन है, आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल QOA, QOA फाइंड करना है, कर सकते हो। आ जाओ किस तरह से करें, एक तो क्या थोड़ा बोर्ड एक्स्ट्रा वर्क करता है ना। देखो PO 5 सेंटीमीटर, QO 7 सेंटीमीटर, और हमें यहां पर POB मतलब कि इस वाले ट्राइंगल का जो एरिया है वो गिवन है यहां पर 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना गिवन है, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। आपको फाइंड करना है इस ट्राइंगल का एरिया, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक, सारी चीजें क्लियर हो गई अब तो। चलो क्या करते हैं, सबसे पहले गिवन पार्ट, जो जो गिवन पार्ट होता है हम इसे इसलिए लिखते हैं ताकि हमें यहाँ पर डायरेक्ट पता रहे कि हाँ ये सारी चीजें तो हमारे पास ऑलरेडी है, हमें तो फाइंड इतना सा करना है, ओके। पी बी एंड क्यू ए आर परपेंडिकुलर टू सेगमेंट ए बी, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो पीओ की लेंथ कितना है, 5 सेंटीमीटर, ओ क्यू की लेंथ कितना है, 7 सेंटीमीटर, यहां भी कंप्लीट। एरिया ऑफ ट्राइंगल पीओबी ये कितना है, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यूओए क्या करना है, फाइंड करना है। चलो फाइंड करो, इसे फाइंड करने के लिए क्या करोगे, पहले तो ये बताओ जल्दी से, इसे फाइंड करने के लिए क्या करोगे,
देखो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर टू ट्राइंगल्स की, कौन कौन से, इन ट्राइंगल पी ओ बी एंड ट्राइंगल क्यू ओ ए, ठीक है दोनों ट्राइंगल देखते हैं। इन दोनों ट्राइंगल में हमारे पास एंगल ए और एंगल बी जो है कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं, मतलब कि एंगल बी इक्वल एंगल ए, क्यों, क्योंकि ईच एंगल आर 90 डिग्री। ओके एंगल क्यू ओ ए किसके इक्वल होगा, एंगल पी ओ बी के, तो फाइनली एंगल पी ओ बी इक्वल एंगल क्यू ओ ए, क्लियर, क्योंकि देखो जेड बन रहा है यहां पर, बिल्कुल ध्यान से देखो क्यू ओ ए और पी ओ बी, ओके इस तरह से। चलो अब हम यहां पर देखते हैं कि एंगल एंगल रूल क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो ये ट्राइंगल पी ओ बी और ट्राइंगल क्यू ओ ए जो है दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, क्या है ये सिमिलर ट्राइंगल है। जब ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है तो हमें तो काफी अच्छे से पता है कि दोनों सिमिलर ट्राइंगल का जो एरिया का रेशियो होगा वो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल रहने वाला है। तो फटाफट से देखो दोनों सिमिलर ट्राइंगल कौन कौन से हैं, एक तो आपके पास हो गया क्यू ओ ए, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू ओ ए अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ओ बी इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग साइड मतलब कि ओ क्यू का स्क्वायर अपॉन ओ पी का स्क्वायर, क्लियर, आपको ये फाइंड करना है, एज इट इज रहने दो। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ओ बी कितना गिवन है, फटाक से देखो 150, यहां पुट करो 150 इक्वल, ये है आपके पास 7 स्क्वायर और ये है आपके पास 5 स्क्वायर, तो फाइनली ये हो गया आपके पास 49 अपॉन 25, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर है यहां तक। चलो अब मैं यहां सॉल्व कर देता हूं, छोटा सा पार्ट है हमारे पास, ओके इस पार्ट को मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखना है ना। यहां पर देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू ओ ए इंटू 25 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया ना, तो 25 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू ओ ए जो है वो इक्वल होगा किसके, 49 इंटू 150, क्लियर, तो फाइनली एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू ओ ए इक्वल 49 इंटू 150 अपॉन 25, 6 टाइम कैंसिल हो गया, तो यहां पर 6 9 54 का 4 कैरी गया 5, 6 4 24 और 5 29, ओके सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो 49 को हम जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 294 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा हमें, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर तो ऑलरेडी यूनिट है हमारे एरिया फाइंड करने का, बाकी 294 हमें फाइंड हुआ, तो हमारे पास जो ये वाला ट्राइंगल है इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, 294 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। चलो फटाफट नोट कर लो, बिल्कुल जल्दी से नोट करो, चलते हैं फिर आगे। काफी सारा टाइम हो गया, थोड़ा जल्दी करो बेटा और क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। चले आगे, हो गया नोट, कोई प्रॉब्लम नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास यहां पर है, एबीसीडी इज ए ट्रेपेजियम, एबीसीडी हमारे पास जब ट्रेपेजियम है और यहां पर एबी पैरेलल है डीसी के और एबी की लेंथ हमें 2dc गिवन है, तो हमें यहां पर बताना है कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल COD का रेशियो क्या रहने वाला है, आपको ये फाइंड करना है। चलो फाइंड करते हैं, गिवन पार्ट देख लो फटाफट से, यहां पर ABCD आपके पास क्या है, एक ट्रेपेजियम है, तो फटाफट लिख दो ABCD इज ए ट्रेपेजियम, ठीक है, और साथ में आपको पता है कि ए बी पैरेलल है किसके, डीसी के, ए बी की लेंथ जो है वो इक्वल है 2dc के, क्लियर, आपको फाइंड करना है दोनों ट्राइंगल का एरिया, कौन कौन से ट्राइंगल का, ट्राइंगल ए ओ बी मतलब कि यहां पर ओ है, ठीक है, ए ओ बी और सी ओ डी, इन दोनों के एरिया का रेशियो फाइंड करना है। दोनों के रेशियो का एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों ट्राइंगल को हम सिमिलर प्रूव करेंगे, तो यहां पर सिमिलर ट्राइंगल लो, कौन कौन से ट्राइंगल लोगे, टू,
ए ओ बी एंड सी ओ डी इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, ये दोनों ट्राइंगल हमने क्या किए यहाँ पर लिए हैं। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों ट्राइंगल को पहले सिमिलर प्रूव करना है। तो यहाँ पर देखो आपका जो एंगल ए ओ बी है ये इक्वल है एंगल सी ओ डी के, किसके इक्वल है, या हम कह सकते हैं ए ओ बी एंगल सी ओ डी के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, तो एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल सी ओ डी वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके क्लियर। सेकंड देखो, एंगल ए ओ यहां पर अगर हम देखते तो एंगल ओ ए बी इस तरह से ले लेते, एंगल ओ ए बी किसके इक्वल होगा, एंगल ओ सी डी के, एंगल ओ ए बी इक्वल एंगल ओ सी डी। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। क्या है ये? अल्टरनेट एंगल। ओके क्लियर है। अल्टरनेट एंगल क्यों है? अरे भाई जेड बन रहा है ना, देखो ना ये जेड है, यहां से कंप्लीटली ये पूरा जेड बन रहा है या नहीं बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। जब जेड बनता है तो हमें पता है कि दोनों क्या होंगे हमारे यहां पर अल्टरनेट एंगल होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो यहां तक पूरा क्लियर है। अब यहां पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट एंगल हो गया, ये एंगल और ये एंगल जब हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया तो ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर ट्राइंगल है। तो फाइनली हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी आर सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल है तो इन दोनों ट्राइंगल का जो एरिया का रेशियो रहेगा वो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। तो फाइनली आ जाओ देखो यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी सॉरी ए ओ बी ए ओ बी एरिया ऑफ ट्राइंगल सेकंड है हमारे पास सी ओ डी, दोनों का जो रेशियो है इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। तो फाइनली यहां पर देखो किसके इक्वल होगा ये ए बी अपॉन CD, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर है। अब देखो के स्क्वायर के एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल COD, यहां से AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर मींस AB की वैल्यू तो ऑलरेडी हमें गिवन है 2DC, कितनी है 2DC, तो फाइनली ये हो जाएगा आपके पास 2DC का स्क्वायर। इसे CD लिखो या DC लिखो एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम इसे भी क्या करते हैं DC की फॉर्म में लिख देते हैं DC स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल COD ये हो जाएगा आपके पास 4DC स्क्वायर अपॉन DC स्क्वायर, DC से DC कैंसिल, तो फाइनली क्या बचा आपके पास 1, मतलब कि एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल COD इक्वल 4 अपॉन 1। ठीक है, इस तरह से लिख दो या फिर अपॉन आपको उसी तरह से लगाना है तो उसी तरह से यूज कर लो। चलो क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें क्या करना है, दोनों का रेशियो फाइंड करना है। हमें मिल गया ना रेशियो 4:1 है, तो हमारे पास यहां पर क्या मिलेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल COD इक्वल 4:1। कितना रेशियो मिला है आपको 4:1, और यही आपको यहां पर फाइंड करना था। ओके ये लीजिए दोनों के एरिया का रेशियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। फटाफट छापो जल्दी से फटाफट, फिर चलते हैं हम आगे जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी। अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए काफी मजा आ रहा होगा आपको मेरे अकॉर्डिंग सॉल्व करने में, क्योंकि ज्यादा कॉन्सेप्ट हमारे क्या है वही ट्रू सिमिलर ट्राइंगल है, तो दोनों के एरिया की जो कंडीशंस होती है वही तो हम अप्लाई कर रहे हैं और उन्हीं कंडीशंस के भी आप पर हम इन्हें सॉल्व कर रहे हैं। चले आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। प्रूव दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी ई, हमारे पास यहाँ पर ट्राइंगल बी सी ई
described on one side BC of a square ABCD is base is one half the area of similar triangle ACF described on the diagonal AC as base. मतलब कि हमें ये prove करना है यहाँ पर, कहने का जो मतलब है पूरे question का कि हमारे पास जो यहाँ पर triangle BCE और triangle ACF है, इसमें triangle BCE का जो area रहने वाला है वो रहने वाला है half of triangle ACF के area के, ठीक है? इस वाले ट्राइंगल का एरिया इस ट्राइंगल के एरिया के हाफ रहने वाला है, आपको ये प्रूव करना है। चलो इसको भी प्रूव कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे अच्छी और इंटरेस्टिंग चीज आपने देखा, इस फिगर में आपको ए बी सी डी जो नजर आ रहा है ना, ये आपका एक स्क्वायर है। क्या है ये? आपका एक स्क्वायर है। स्क्वायर मतलब कि इसकी ईच साइड कैसी रहने वाली है? इक्वल रहने वाली है। ईच एंगल कितने डिग्री का रहने वाला है? 90 डिग्री का रहने वाला है। कितनी अच्छी चीजें हैं, है ना? आ जाओ, गिवन क्या गिवन है हमारे पास यहां पर, ये देखो फटाफट से। ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। जब ए बी सी डी हमारे पास स्क्वायर है तो हमें पता है कि ए बी किसके इक्वल होगा? बी सी के, सी डी के और ए डी के, चारों आपस में इक्वल होगा। ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल डी ए। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर ये जो आपको नजर आ रहा है AC, ये आपका क्या है? डायगोनल है। AC क्या है आपके पास? डायगोनल है। ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, देख लो यहां पर AC है हमारे पास यहां पर डायगोनल। क्लियर? अब हमें पता है डायगोनल ऑफ स्क्वायर जो होता है वो होता है रूट टू इंटू साइड। डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है? रूट टू इंटू साइड। और साइड क्या है हमारे पास यहां पर? बी सी। क्या है? बी सी। तो फाइनली हम क्या कहेंगे? ए सी की जो वैल्यू है वो क्या है? रूट टू बी सी। ओके, कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी भी तरह की नहीं। अब आपको पता है सेम कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं। एक बार ट्राइंगल बी सी ई ले लो और ट्राइंगल ए सी एफ ले लो, इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर दो और इस वैल्यू को ए सी की जहां वैल्यू पुट करनी हो आपको रूट टू इंटू बी सी कर देना, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? सॉल्व कर लोगे ना ये तो? कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो एक क्वेश्चन और नोट कर लो फटाफट से, ये भी आपको सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन जो है, ये दोनों क्वेश्चन दो भी नहीं रहे अब तो, एक तो थोड़ा सा ही रह गया। ओके, दोनों क्वेश्चन आपको क्या करने? सॉल्व करने हैं। फटाफट से नोट कर लो। हो गया नोट? ओके, तो बेटा ये आज के जो हमारे क्वेश्चंस थे ये सारे डिपेंडेंट थे हमारे एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल से रिलेटेड, जिन्हें हमने काफी इजीली काफी अच्छे से सॉल्व किया। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से शानदार जबरदस्त तरीके से समझ में आए होंगे। अब आपको क्या करना है, वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो फटाफट से बिना देर के वो लाइक कर दो। किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हमारे आने वाले वीडियोज की अपडेट का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको इसी के ऐप से मिलेगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।